नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल पांडे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लखनऊ में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश की योगी सरकार सहित पिछली सरकारों पर निशाना साधा है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 2017 में भाजपा के सबसे बड़े नेता ने कहा था कि कब्रिस्तान बनना चाहिए तो शमशान भी बनना चाहिए। पुरानी सरकारों ने यूपी में शमशान और कब्रिस्तान बनवाए हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमें यूपी में मौका दो, हम स्कूल और अस्पताल बनवा देंगे। 2017 में भारतीय जनता पार्टी के देश के सबसे बड़े नेता ने उत्तर प्रदेश में आके कहा था कि अगर उत्तर प्रदेश में कब्रिस्तान बनते हैं तो शमशान घाट भी बनने चाहिए। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता ने आके कहा था कि अगर उत्तर प्रदेश में कब्रिस्तान बनते हैं तो शमशान घाट भी बनने चाहिए। दोस्तों, पुरानी सरकारों ने उत्तर प्रदेश में कब्रिस्तान बनवाए, योगी जी ने पिछले 5 साल में केवल और केवल शमशान घाट बनवाए। आज मैं आपके बीच में आया हूं, एक मौका दे दो, आपके बच्चों के लिए स्कूल बनवाऊंगा और आपके परिवार के लिए अस्पताल बनवाऊंगा। मेरे को स्कूल बनवाने आते हैं, मेरे को अस्पताल बनवाने आते हैं, दिल्ली में बनवा के आया हूं, उत्तर प्रदेश में भी बनवाऊंगा। इनको नहीं बनवाने आते, 75 साल में इन्होंने नहीं बनवाए। ये केवल कब्रिस्तान और शमशान घाटी बना सकते हैं, वो बहुत बनवा दिया इन्होंने। अब बस, अब देश को स्कूल और अस्पताल चाहिए, स्कूल और अस्पताल के। भारत माता की, अरविंद केजरीवाल। दोस्तों, दुख की बात यह है कि पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने न केवल शमशान घाट बनवाए बल्कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों को शमशान घाट पहुंचाने का इंतजाम भी किया इन्होंने। जिस तरह से कोरोना के दौरान इन्होंने मिसमैनेजमेंट किया, इनसे सरकार नहीं संभली, इन लोगों से पूरी दुनिया में थू थू हुई, पूरी दुनिया में अगर एक कोई राज्य है, पूरी दुनिया में अगर एक कोई सूबा है जहां पे सबसे बुरा कोरोना का मैनेजमेंट हुआ तो वो उत्तर प्रदेश है। केजरीवाल ने कहा है कि योगी सरकार ने करोड़ों रुपए विज्ञापन में फूंक दिए हैं। हाल ये है कि दिल्ली में योगी के 850 होर्डिंग लगे हैं और हमारे सिर्फ 106 लगे हैं। केजरीवाल ने खुद को बाबा साहेब का भक्त बताया और अपने भाषण की शुरुआत भारत माता की जय के नारे के साथ की। इस रैली को सफल बनाने के लिए पार्टी की प्रदेश इकाई ने सभी पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी थी। पार्टी के प्रदेश प्रभारी और सांसद संजय सिंह को भी 4 जिलों का प्रभार दिया गया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।